अगली खबर गुमला से है। जिले के पलकोट रोड स्थित रोटरी क्लब के सभागार में कन्या कुब्ज स्वर्णकार संघ्रांति लोहरदगा गुमला के तत्वाधान में एक दिवसीय संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रांची लोहरदगा रामगढ़ जमशेदपुर खुंटी के स्वर्णकार संघ के पदाधिकारी गण सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची जिला सोना चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष श्री रवि कुमार पिंकू के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान रवि कुमार पिंकू ने अपने संबोधन में समाज को संगठित करने पर जोर दिया, साथ ही महिला सशक्तिकरण, बच्चों को उच्च शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा पर बल दिया, साथ ही स्वर्णकार संघ के लिए भवन का निर्माण करने पर सहमति दी, वहीं लोगों से सहयोग करने की भी बात कही। इधर गुमला की बेटी श्वेता सोनी 12 CBSE में प्रथम टॉपर होने पर कन्या कुब्ज स्वर्णकार संघ समाज के द्वारा मौके पर मोमेंटो प्रशंसक पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संघ ने उज्ज्वल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्य नंद किशोर सोनी, जवाहर सोनी, अशोक प्रसाद सोनी, विनोद सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग पहुंचे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वर्णकार संघ की ओर से गुमला जिला कानकुब स्वर्णकार संघ की ओर से जो आयोजित बैठक है, इसमें संगठन को मजबूती के लिए बैठक की गई है। और इसमें जो आपने कहा कि धर्मांतरण के संबंध में, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जो आज है सो हमारे समाज की बच्चियाँ या अन्य समाज की बच्चियाँ जो दूसरे समाज से शादी विवाह हो रहा है, ये गलत है। अपने समाज में ये कार्य नहीं होना चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है समाज में। और संगठन की मजबूती के लिए, जैसा कि यहाँ के अध्यक्ष ने अभी घोषणा किया कि हम लोगों ने गुमला जिला में एक धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, तो स्वागत योग्य है। इसमें जैसा कि अभी पिंकू जी ने कहा कि जात नहीं, जमात के लोगों को उसमें तरजीह दी जाएगी और सारे लोग को उसमें सुविधा दी जाएगी। और संगठन के आज के दिन में, आज सरकार को देख लीजिए कि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में लोग, बेरोजगारी बढ़ गया है। आरक्षण के मुद्दा में आ जाइए आप, आरक्षण सरकार को, ये शेड्यूल जिला में गुमला आता है, यहाँ आरक्षण शून्य है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि शेड्यूल जिला में जाति जनगणना के हिसाब से यहाँ लोगों को आरक्षण दिया जाए, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। गुमला जिला में कनौजिया स्वर्णकारों की एक बैठक हुई, जिसमें सामूहिक रूप से लोहरदगा जिला, रांची जिला के सदस्य कनौजिया स्वर्णकार लोग उपस्थित हुए। आज यह सामूहिक बैठक जो है, इसका उद्देश्य है स्वर्णकारों के माध्यम से समाज हित में अनेकों काम करना और समाज कैसे आगे बढ़े, अच्छे कामों के माध्यम से दूसरे समाज में हम एक अच्छा संदेश कैसे दे पाए, उस पर एक विचार गोष्ठी था। और यहाँ की उपस्थिति, यहाँ के आयोजकों के द्वारा जो मेहनत किया गया है, उसके लिए इस कार्यक्रम के तमाम आयोजकों को हम रांची सोना चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम का एक ही मकसद था कि हम अच्छे विचारों के साथ समाज में मजबूती ला पाएँ और समाज के माध्यम से दूसरे समाज के लिए रोल मॉडल बन पाए, इसी पर सारी चर्चा केंद्रित रही है। और आज यहाँ के लोग, लोकल कमेटी जो हमारी कनौजिया स्वर्णकार की कमेटी है, उन्होंने यह तय किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के हित के लिए, यहाँ के ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ एक कनौजिया स्वर्णकार धर्मशाला का निर्माण गुमला जिला स्वर्णकार समाज के द्वारा कराया जाएगा, जो स्वागत योग्य है। लेकिन वह जो निर्माण होगा समाज का, धर्मशाला का, वह सिर्फ जात के लिए नहीं होगा, बल्कि वह पूरे जमात के लिए होगा, ज़रूरतमंदों के लिए होगा। आज हम लोग शिक्षा पर चर्चा किए हैं, महिला उत्थान पर चर्चा किए हैं, व्यापार उत्थान पर चर्चा किए हैं और समाज के साथ हम मिलकर कैसे चल पाएँ, इस पर चर्चा किए हैं। इसके और आप तमाम मीडिया के लोग जो उपस्थित हुए हैं, आपको भी हम अपने माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। रवि कुमार पिंकू, अध्यक्ष सोना चांदी व्यवसायी समिति रांची। जैसे के लिए मैं एग्जाम लिखूंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी। और अपना लक्ष्य को पूरा करेंगे। क्या करना है आपको? अभी बीए करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। यहां की टीम, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी कुछ अचीवमेंट करने की इच्छा है? बिल्कुल। आगे जाना। श्वेता सोनी।